नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त डीएस राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो नंबर सीरीज़ है उसका ये पार्ट 16 है, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के रूल्स पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हम इसके 15 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने इसका रूल नंबर 16 लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 16 क्या कहता है? हमारा रूल नंबर 16 ये कह रहा है कि मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कई नाउन ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। यानी कि देखिए, आपने देखा होगा कि सभी भाषाओं में जो शब्द हैं वो अन्य भाषाओं से, और खासकर देखिए हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में तो इतने अधिक शब्दों का समावेश हुआ है कि आज वो हमें सब हिंदी के ही जो शब्द लगने लगे हैं। तो कई इसी प्रकार इंग्लिश ने भी कई भाषाओं से शब्दों को अडॉप्ट किया है, जैसे लेटिन है, रोमन है, हिब्रू है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। इन सभी भाषाओं के जो शब्द है वो इंग्लिश में आज इंग्लिश के ही बन चुके हैं वो वर्ड। तो उनको हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस भाषा में उसका प्लूरल क्या है। मान लीजिए सपोज कोई वर्ड हिब्रू भाषा से हमने लिया, तो हिब्रू भाषा में उस वर्ड का प्लूरल क्या है, तो हमने वहीं से उसका प्लूरल ले लिया। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमने अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया और उसके प्लूरल हमने इंग्लिश में बना लिए। लेकिन मोस्टली जो अधिकांश जो वर्ड्स हैं वो उनकी मूल भाषाओं में जो उनके प्लूरल हैं उन्हीं का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि ये वैसे समझ में नहीं आएगा, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, उसी से ये नियम आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लैटिन भाषा से इंग्लिश में कैसे शब्द आए हैं और कैसे हम उनका प्लूरल बनाया है या हमने मूल रूप से कह लिया है। तो देखिए पहला शब्द है इरेक्टम। इरेक्टम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। यानी कि हमको मान लीजिए सपोज किसी बुक में कोई मिस्टेक रह गई, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक शुद्धि पत्र छाप देते हैं कि भाई इसमें इस पेज पे ये मिस्टेक है। और तो अब ऐसे मान लीजिए एक से अधिक शुद्धि पत्र होंगे तो उन्हें हम इरेटा कहेंगे। तो इरेक्टम का मतलब शुद्धि पत्र, इसमें ई डबल आर ए टी यू है, यू एम है, इसको हम ई डबल आर ए टी ए बना दिया। यानी कि लैटिन में जो इसका जो प्लूरल था वही हमने अडॉप्ट कर लिया, इरेक्टम इरेटा। नेक्स्ट है जैसे हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमारे काफ़ी चलन में है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, लेकिन जो फॉर्मूला जो वर्ड है वो मूल रूप से लैटिन भाषा से लिया गया है। तो फॉर्मूला जो वर्ड है इसका जो प्लूरल है वो वैसे फॉर्मूला ही होगा, फॉर्मूले होगा, लेकिन फॉर्मूले, लेकिन हमने क्या किया है कि आजकल इसको फॉर्मूला फॉर्मूले को यूज न करके इसमें हम कभी कभी फॉर्मूलाज भी यूज कर लेते हैं। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन मूल रूप से जो लैटिन भाषा में जो फॉर्मूला जो है उसका जो प्लूरल होगा वो फॉर्मूले होगा। नेक्स्ट देखिए इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सारणी। तो इंडेक्स का जो यानी कि एक सारणी को कहेंगे इंडेक्स और एक से अधिक सारणियों को हम कहेंगे इंडाइसेस। इंडेक्सेस नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे इंडाइसेस, आई एन डी आई सी ई एस। यानी कि सिंगुलर में तो इसकी फॉर्म रहेगी आई एन डी ई एक्स और प्लूरल में हो जाएगी आई एन डी आई सी ई एस, इंडेक्स इंडाइसेस। नेक्स्ट है देखिए लैटिन भाषा से और भी कुछ हमने वर्ड लिए हैं, जैसे एक है मेमोरेंडम। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग ज्ञापन देते हैं कि भाई हमारी ये मांग है सरकार से, तो कलेक्टर एसडीएम वगैरह को या किसी मंत्री को या एमएलए को एमपी को ज्ञापन सौंपा जाता है, उसे इंग्लिश में मेमोरेंडम कहते हैं। तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा मेमोरेंडा। यानी कि लास्ट के डी यू एम को हमें सिर्फ डी ए बना के छोड़ देना है, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो मेमोरेंडम का प्लूरल क्या होता है? मेमोरेंडा। आगे देखिए रेडियस। रेडियस खूब यूज करते हैं आप, हम जो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसने जिंदगी में रेडियस वर्ड यानी त्रिज्या खूब यूज की है। जिसने भी सर्कल सीखा है तो सर्कल की में आपको पता है कि सेंटर से लेके और जो सर्कल का जो किनारा होता है वहां तक की जो डिस्टेंस है उसे त्रिज्या या रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस
अगर मान लीजिए दो रेडियस हैं तो वो रेडियसेस नहीं होगा, वो होगा रेडी, आर ए डी डबल आई रेडी। टर्मिनस, टर्मिनस का मतलब होता है, देखिए रेलवे स्टेशन के आप देखो ना टर्मिनस, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, जैसे तो टर्मिनस का मतलब होता है लास्ट स्टेशन, टर्मिनस का मतलब होता है लास्ट डेस्टिनेशन, तो इसका जो प्लूरल वो होगा टर्मिनी, टी ई आर एम आई एन आई टर्मिनी। लेकिन आजकल हमने क्या किया, टर्मिनसेस भी यूज करने लगा, लेकिन जो वास्तव में इसका जो प्लूरल फॉर्म जो लैटिन में दी हुई है वो टर्मिनी ही है, और जो टर्मिनस जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, रेडियस है, मेमोरेंडम है, ये डायरेक्ट हमने लैटिन भाषा से लिए हैं, तो इनके जो प्लूरल वही होंगे जो लैटिन भाषा में ओरिजिनली होते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ग्रीक भाषा से भी हमने कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है धुरी, तो इसका जो प्लूरल होगा वो एक्सेस होगा, ए एक्स ई एस एक्सिस, तो एक्सिस यानी धुरी और एक्सिस यानी धुरियां, यानी कि इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है, हमने इसको ग्रीक भाषा से लिया है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है कोष्टक, तो इसके देखिए पैरेंथेसिस में स्पेलिंग रही थी पी ए आर ई एन टी एच ई एस आई एस, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी पी ए आर ई एन टी एच ई एस ई एस, पैरेंथेसिस हो जाएगा, थेसिस की जगह थेसिस हो जाएगा और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने ग्रीक भाषा से जो शब्द लिया है देखिए, क्राइसिस, क्राइसिस बहुत आता है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, यानी कि सी आर आई एस आई एस क्राइसिस, क्राइसिस जो एक मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा क्राइसिस, सी आर आई एस ई एस क्राइसिस, यानी क्राइसिस इज ए सिंगुलर फॉर्म और क्राइसिस इज ए प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, ये वर्ड भी हमने ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका जो प्लूरल होगा वो होगा हाइपोथेसिस, यानी कि एच वाई पी ओ टी एच ई एस ई एस इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। अब आगे देखिए कुछ वर्ड हमने और ग्रीक से लिए हैं, जैसे बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार, तो इसका भी जो प्लूरल होगा वो होगा बेसिस, बी ए एस ई एस, बेसिस।